प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आपका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम छठी कक्षा के विज्ञान का अध्याय शरीर में गति पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। तो इस पाठ में हम सीखेंगे मानव शरीर और उसकी गतियाँ, जोड़ों के प्रकार यानी गांठ डोडा जोड़, केंद्रीय जोड़, कब्जेदार जोड़, स्थिर जोड़, और अंत में हम पढ़ेंगे जंतुओं की चाल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव शरीर और उसके गतियाँ। बच्चों, हड्डी और उपहड्डी मानव कंकाल को बनाती हैं। मतलब मानव कंकाल हड्डियों और उपहड्डियों से बना है जो शरीर की संरचना करते हैं और इसको आकार भी देती हैं। कंकाल चलने में सहायक होता है और आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। पेशियों के जोड़े के बार बार सुकड़न और फैलने की प्रक्रिया से हड्डियां गति करती हैं। बच्चों, पलकों को झपकाना, सांस लेना, कॉपी पर लिखना, गर्दन घुमाकर इधर उधर देखना, साइकिल चलाना, बोलना आदि इन्हीं की उदाहरणें हैं। इसी प्रकार स्कूल में शारीरिक कसरत करने पर आप अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों को मोड़ते हैं, जैसे अपनी टांगों और भुजाओं को मोड़ना, आगे की तरफ को झुकना, कंधों को घुमाना और अन्य गतियाँ। आप यह सभी कसरत इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपका शरीर बहुत लचकदार है। हमारे शरीर में यह लचक जोड़ों के कारण है। क्या आप यह जानते हैं कि जोड़ क्या होते हैं? तो बच्चों, जोड़ उस जगह को कहा जाता है जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं। अपने हाथों से अपने घुटने, कंधों और हाथों की उंगलियों को दबा कर देखो। आप इसके आंतरिक जोड़ों को महसूस कर सकते हो। बच्चों, सभी जोड़ गतिमान नहीं होते, तो गति के आधार पर जोड़ों के दो वर्ग हैं, गतिरहित जोड़ और गतिमान जोड़। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गतिरहित जोड़ वह जोड़ है जो शरीर के अंगों को गति करने से रोकते हैं। इन्हें स्थिर जोड़ भी कहते हैं। यह जोड़ मानव खोपड़ी में पाए जाते हैं। खोपड़ी के जोड़ के अतिरिक्त सभी जोड़ गतिमान होते हैं। वह जोड़ जो शरीर के अंगों को गति में सहायता करते हैं, उन्हें गतिमान जोड़ कहते हैं। अब बच्चों, गतिमान जोड़ भी चार प्रकार के होते हैं। पहला गांठ डोडा जोड़, दूसरा केंद्रीय जोड़, तीसरा स्थिर जोड़ और चौथा कब्जेदार जोड़। तो चलो बच्चों, अब हम इन सब को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है गांठ डोडा जोड़। हमारी कमर में और कंधे में जो जोड़ होता है उसे गांठ डोडा जोड़ कहा जाता है। चलिए एक क्रिया से जोड़ को समझने की कोशिश करते हैं। कागज की एक शीट को एक वेलन के कप में मोड़ें, रबड़ और प्लास्टिक की गेंद में एक छेद करें और उसमें एक मोड़े हुए कागज को फिट करें। आप कागज के वेलन को गेंद में चिपका भी सकते हो। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने की कोशिश करें। ध्यान से देखें, क्या गेंद कटोरी में आजादी से घूम रही है और क्या कागज का वेलन भी घूमता है? तो अब यह सोचो कि कागज का वेलन आपका हाथ है और गेंद इसका एक किनारा है। कटोरी कंधे के उस भाग की तरह है जिसके साथ आपका हाथ जुड़ा है।
एक हड्डी का गेंद रूपी गोल हिस्सा दूसरी हड्डी की कटोरी रूपी गुत्थी में फंसा होता है। इस तरह का जोड़ सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है। गांठ डोडा जोड़ सबसे ज्यादा गतिमान जोड़ होता है। बच्चों, हमारे शरीर में ऐसे दो जोड़ होते हैं। एक जोड़ कंधे और ह्यूमरस हड्डी में होता है और दूसरा जोड़ कमर और फीमर हड्डी में होता है। तो देखा बच्चों, ये एक प्रकार का गतिमान जोड़ था, गांठ डोडा जोड़। अब दूसरा प्रकार है केंद्रीय जोड़। गर्दन और सिर को जोड़ने वाला केंद्रीय जोड़ होता है। इससे सिर को आगे और पीछे, दाईं और बाईं ओर घुमाया जा सकता है। केंद्रीय संयुक्त जोड़ में एक अंगूठी में वेल के आकार की हड्डी घूमती है। अब बारी है तीसरे प्रकार की, जो है कब्जेदार जोड़। बच्चों, आपने अपने घरों में दरवाजों पर लगे कब्जों को जरूर देखा होगा। दरवाजों का अंदर और बाहर की ओर खुलना कब्जों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी कब्जेदार जोड़ हैं, जो विभिन्न विभिन्न अंगों की गति को निर्धारित करता है। आओ एक क्रिया के द्वारा इसे समझें। बच्चों, एक कागज की शीट का वेलना बनाएं। कागज के वेलने में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाएं। अब इस पेंसिल लगे वेलने को एक अर्ध चक्कर वाले दूसरे वेलन में फिट करें। अब पेंसिल को हिलाकर इस वेलने को चलाने का प्रयास करें। आप देखेंगे यह सिर्फ आगे और पीछे की ओर ही गति करता है। कब्जेदार जोड़ में भी इसी प्रकार की गति होती है। कोहनी में ऐसा ही जोड़ होता है जिससे आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। घुटने के भीतर का जोड़ भी कब्जेदार जोड़ ही होता है। तो बच्चों, अगला प्रकार अब हम देखेंगे, वो है स्थिर जोड़। तो नाम से ही जैसे पता चलता है कि वह जोड़ जिन पर हड्डियां हिल नहीं सकती, उन्हें स्थिर जोड़ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। तो बच्चों, ये थे गतिमान जोड़ों के प्रकार। बच्चों, आपने एक्सरे के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? वो क्या चीज है? असल में शरीर के बाहर से हड्डियों को नहीं देखा जा सकता, इसीलिए चोट के समय डॉक्टर हड्डियों की जांच एक्सरे की मदद से करते हैं। आओ बच्चों, अब हम यह जानने की कोशिश करें कि हड्डियों और जोड़ों को गति करने के योग्य कौन बनाता है। इसके लिए आप अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाओ और अपनी बाजू को कोहनी से इस तरह मोड़ो जिस तरह आप बाजू की कसरत करते हो। अब दूसरे हाथ से बाजू के ऊपर के हिस्से को छू कर देखें। आपको एक उभार महसूस होता है, इसे पेशी कहते हैं। सुकड़ने के कारण पेशियां ऊपर आती हैं। चलते और दौड़ते समय भी आप अपने पांव की पेशियों में इसी प्रकार की सुकड़न को देख सकते हैं। सुकड़ने की अवस्था में पेशी छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। सुकड़ने के बाद दोबारा पहले वाली स्थिति में आने के लिए पेशियां फैल जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। जब आप अपनी कोहनी को मोड़ते हैं तब यह पेशी सुकुड़ती है और जब आप अपनी कोहनी को सीधा कर लेते हैं उस समय पेशी फैलकर लंबी हो जाती है। बच्चों, किसी हड्डी को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप में काम करना पड़ता है। बच्चों, अभी हम इस अध्याय का आखिरी हिस्सा जंतुओं की चाल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, मुकाबले में हिस्सा लेना और मुकाबले को देखना सबको अच्छा लगता है ना?
हम भी जंतुओं की गति का अध्ययन एक मुकाबले के रूप में करते हैं। तो दौड़ मुकाबले में आप सभी का स्वागत है। और शुरू करने से पहले आओ मिले इस खेल के चैंपियन बनी से। बनी पिछले 2 साल से इस दौड़ को जीत रहा है। चलो अब 100 मीटर दौड़ को शुरू करते हैं। गोली चलाते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। गेट सेट गो। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, सभी जानवरों ने अपनी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया है। केंचुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। लगता है जैसे सख्त फर्श केंचुओं को चलने में सहायता कर रहा है। जी हाँ, ध्यान दें, केंचुआ चलते समय अपने शरीर के पिछले हिस्से को धरती से जकड़ कर रखता है और अगले हिस्से को फैला देता है। इसके बाद वह अगले हिस्से को धरती से जकड़ लेता है और अपने पिछले हिस्से को आज़ाद कर लेता है। इसके बाद अपने शरीर को सुकड़ा कर पिछले हिस्से को आगे की ओर धकेलता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसके चलने में सहायता करते हैं। केंचुए के शरीर में अनेक लुएं और लिसल होते हैं। यह सख्त बालों की तरह रची होती हैं और मिट्टी में केंचुए की पकड़ को मजबूत बनाती हैं और अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो चलो बच्चों, मैदान में देखें बाकी जानवरों की क्या स्थिति है। ओह, दोंधा सबसे पीछे रह गया। हाँ, हो सकता है इसके पीछे रहने का कारण इसकी पीठ पर बना हुआ कब्ज हो। हाँ, यह कब्ज घोंघा के शरीर का बाहरला पिंजर है। अच्छा, यह कब्ज किस चीज का बना है? हड्डियों का नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंघा खतरा महसूस करके अपना शरीर इस कब्ज में छुपा लेता है। मोटा पेशीदार पैर नीचे से म्यूकस से जुड़ा होता है और पैर के नीचे से पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से वह आगे बढ़ता है। म्यूकस कारण ही घोंघा सख्त फर्श पर बिना किसी चोट से आगे बढ़ सकता है। पर बच्चों, घोंघे को तेज चलना होगा यदि वह जीतना चाहता है। चलो देखते हैं दौड़ में कॉकरोच कहाँ पहुंचा। ओह, कॉकरोच तो उड़ रहा है। लगता है वह चिड़ियों का मुकाबला कर रहा है। देखो, कॉकरोच वापस से जमीन पर आ गया। छोटे से कॉकरोच में कितने गुण हैं? जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसके 3 जोड़ीदार पैर होते हैं जो इसके चलने में सहायक होते हैं। छाती के साथ 2 जोड़ीदार पंख होते हैं जो चलते समय उसकी पैरों को गति देते हैं। अरे बच्चों, वो देखो, चिड़िया दौड़ में सबसे आगे है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि आगे निकल ही जाएगी, क्योंकि चिड़िया का शरीर उड़ने के लिए बिल्कुल सही है। इनकी हड्डी खोखली और हल्की होती है। पिछले पैरों की हड्डी चलने और बैठने के लिए अनुकूल होती है और अगले पैरों की हड्डी बदलकर पंख का रूप लेती है। छाती की हड्डी उड़ने वाली पेशियों को जकड़ कर रखने के लिए विशेष रूप से परिवर्तित होती हैं और पंखों को विशेष रूप से ऊपर नीचे करने पर सहायक होती हैं। लगता है जैसे सांप चिड़िया को अच्छा मुकाबला दे रहा है। हाँ, यह बात हैरानी की है, कैसे सांप घास, मिट्टी और पानी में तैर लेता है। और इतना ही नहीं,
बल्कि वृक्षों पर भी चढ़ जाते हैं। सांप की रीढ़ की हड्डी लंबी होती है, पेशियां कमजोर और अनगिनत होती हैं। पेशियां रीढ़ की हड्डी, पसलियां और चमड़ी को भी एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। सांप का शरीर अनेक कुंडलों में जुड़ा होता है और हर एक कुंडल सांप को धक कर चलने में सहायक होता है। इसी के कारण सांप बहुत तेज गति करता है, किंतु यह सीधी गति में नहीं चलता। सांप बहुत मुलायम फर्श पर चल नहीं सकता। सांप का सीधी रेखा में ना चलने के कारण लगता है चिड़िया ही जीत जाएगी। देखो देखो, चिड़िया ने तो दौड़ जीत ली, हुर्रे! लगता है बाकी जानवर मायूस हो जाएंगे। अब घोंगे ने सारा शरीर कवच में डाल लिया है। आओ अभी तैराकी मुकाबला भी देखते हैं। अब तैराकी मुकाबला है, इसमें मछलियों ने भाग लिया है। मछली का सिर और पूंछ उसके निचले शरीर के मुकाबले पतला और नुकीला होता है। शरीर का ऐसा आकार धारारेखी कहलाता है। इसी विशेष आकार के कारण मछली पानी में तैर सकती है। तैरते समय शरीर का अगला भाग एक तरफ घूम जाता है और पूंछ उल्टी दिशा में घूम जाती है। इससे एक तेज झटका लगता है और मछली आगे की तरफ चली जाती है। हाँ बिल्कुल सही, इसके साथ ही तैराकी मुकाबला भी पूरा हो गया। हे हिप हिप हुर्रे! सभी जंतुओं को बहुत बहुत बधाई। तो देखा बच्चों, मजा आया ना मुकाबला देखकर, और साथ में जंतुओं की चाल के बारे में भी पता चल गया। तो ये अध्याय यहीं खत्म होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। शरीर में लगातार गति होती है, चाहे कोई व्यक्ति बैठा हो या लेटा हो। मानव शरीर हड्डियों और उपहड्डियों से बना होता है, जो शरीर की संरचना करता है और आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। गति के प्रकार और दिशा के आधार पर जोड़ों के विभिन्न प्रकार हैं। दो हड्डियों को हिलाने के लिए दो मांसपेशियों को एक साथ काम करना पड़ता है। घोंघे अपने मोटे मांसपेशियों वाले पैरों की मदद से चलते हैं। केंचुआ अपने शरीर को सिकुड़ने और फैलाने की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। सांप का शरीर कई कुंडलियों में मुड़ जाता है और प्रत्येक कुंडली सांप को आगे बढ़ने में मदद करती है। कॉकरोच के सीने में दो जोड़ी पंख होते हैं, जो उड़ने पर उसके पैर को गति देते हैं। मछली का शरीर आकार में रैखिक होता है। तो बच्चों, ये कुछ तथ्य थे इस अध्याय से संबंधित। तो अब कुछ प्रश्न उत्तरों के द्वारा आपने जो जानकारी ली है उसकी जांच नहीं कर ली जाए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? हमने अभी पढ़ा कि हमारे शरीर में चार प्रकार के जोड़ होते हैं, गांठ डोडा जोड़, कब्जेदार जोड़, केंद्रीय जोड़, स्थिर जोड़। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ जोड़ों के बारे में पूछूंगी और आपको मिलान करना है कि वह जोड़ हमारे शरीर के किस भाग में होते हैं। तो पहला है गांठ डोडा जोड़। बताइए इनमें से किसके साथ मिलान होगा इसका? कोहनी, खोपड़ी, कंधा या गर्दन? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, आपने सही समझा। गांठ डोडा जोड़ हमारे कंधे में होता है। चलिए अगला है कब्जेदार जोड़। जी हाँ, कब्जेदार जोड़ हमारी कोहनी में होता है। चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय जोड़। बिल्कुल सही, केंद्रीय जोड़ हमारी गर्दन में होता है। और आखिर में स्थिर जोड़, जो कि खोपड़ी में होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब कुछ रिक्त स्थान हैं,
उन्हें भी आप भरने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कान के ऊपरी हिस्से के ऊतक को डैश कहा जाता है। आपके विकल्प हैं छोटी, सख्त, मोटी, उपहड्डी ऊतक। इनमें से क्या आएगा बच्चों? बिल्कुल सही, कान के ऊपरी हिस्से के ऊतक को उपहड्डी ऊतक कहा जाता है। अगला है मांसपेशी गति प्रदान करने के लिए हमेशा डैश में काम करती है। इसका विकल्प देखिए कौन सा होगा। बिल्कुल सही, मांसपेशी गति प्रदान करने के लिए हमेशा जोड़े में काम करती है। ये आखिरी रिक्त स्थान भी बताना है। कॉकरोच यानी तिलचट्टा के चार जोड़े पांव होते हैं। यह वाक्य गलत है या सही है? बिल्कुल सही, यह तथ्य गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉकरोच के चार जोड़ी पांव नहीं, तीन जोड़ी पांव होते हैं। बच्चों आप तो सब समझ गए, वेरी गुड। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय शरीर में गति संपूर्ण होता है। बच्चों तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।